हेलो गाइस, वेलकम आर वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं आप लोग के साथ अपने कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स शेयर करूँगी जो मैं डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ। तो ये मेरे थोड़े से ही प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जो मैं डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ, बिकॉज़ मैं इतना मेकअप नहीं करती। तो इनका मैं आपको रिव्यू भी दूँगी और फुल डिटेल भी बताऊँगी। ओके, सो गाइस, सबसे पहले ये मेरे पास है फाउंडेशन, ठीक है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये है कूल बैटरी का फाउंडेशन, ठीक है। ये डेली वेयर मॉइस्चराइजिंग के लिए, अगर आप कोई लॉन्ग लास्टिंग मेकअप करना चाह रहे हैं या फिर शादी वगैरह पे जाते हैं, तो मैं इसी को यूज़ करती हूँ, ठीक है। ये इसका जो है प्रेस करते हैं तो बाहर आ जाता है, एंड इसका शेड भी काफ़ी अच्छा है और ये बहुत ही अफोर्डेबल है, ज़्यादा मतलब महंगा भी नहीं है। तो मैं इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये ख़त्म भी यहाँ से हो रहा है, और ये मैं इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद। अगर आप इसको यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा है। सो ये फाउंडेशन है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है, ये मेरे पास पॉन्ड्स की बीबी क्रीम है, ठीक है, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये आप देख सकते हैं, बीबी प्लस, ठीक है। ये मैं कहीं पर मतलब आम रूटीन में जाती हूँ वैसे ही, तो ये मैं यूज़ करती हूँ, ठीक है। एंड ये भी बहुत ही अफोर्डेबल है, बहुत अच्छी है, और ये आपको 250 रुपीज़ की इजीली मिल जाएगी। ओके, सो गाइस, फाउंडेशन और बीबी क्रीम के बाद आ जाता है कॉम्पैक्ट पाउडर। सो ये भी जो है, ये पार्टी क्वीन का HD कॉम्पैक्ट पाउडर है, ये भी बीबी बेस है, ठीक है। सो इसको मैं दिखाती हूँ, इसके टू पार्ट्स बने हुए हैं, ठीक है, ये टू डिफरेंट शेड्स हैं। ओके, सो ये टू डिफरेंट शेड्स हैं, एक ज़्यादा वाइट है एंड एक ये थोड़ा सा जो डल होता है वो है। एंड इसका भी बहुत ही अच्छा है, इसका भी रिव्यू अगर आप मैं दूंगी तो बहुत ही अच्छा। ओके गाइज, ये भी बहुत अच्छा कॉम्पैक्ट पाउडर है, ठीक है। तो अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। वैसे मैं सब प्रोडक्ट्स की आपको प्राइस नहीं बता रही, बिकॉज़ मेरे पास कंफर्म प्राइस नहीं है। ओके, सो गाइज, नेक्स्ट जो है ये हाइलाइटर आ रहा है, ठीक है। मैंने ब्लश को ज़्यादा यूज़ नहीं, ब्लश को करती, ये मैं ज़्यादा हाइलाइटर ही यूज़ करती हूँ। आप देख सकते हैं, ये थोड़ा इसमें पिंक पिंक कलर शेड आ रहा है, एंड ये 7 कूल का है, परफेक्शन कलर, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, नंबर 3 है। एंड मैं इसको ही ज़्यादातर यूज़ करती हूँ, ब्लश को मैं इतना नहीं यूज़ करती। तो ये भी बहुत अच्छा है, अगर आप ये भी लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ओके, सो गाइस, नेक्स्ट है ये मेरे पास किस ब्यूटी के शिमर आई शेडो, ठीक है। इसमें है हमारे पास 12 कलर्स, आप देख सकते हैं, ये है इसमें सारे कलर्स। तो ये जो शिमर ग्लिटर आई शेड आप इसे बोल सकते हैं, तो इनको भी मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, आप देख सकते हैं। ओके, सो इनमें से मैं आपको एक चेक करवा देती हूँ, ये देखें जी, ये देखें, इसमें बहुत ज़्यादा ग्लिटर है, ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है। जब तक आप इसको वॉश नहीं करेंगे ना, तो इसको देखें आप, जितना मर्ज़ी आप इसको मर्ज करना चाहें कर सकते हैं, ये आप चेक कर लें। ओके, सो ये भी बहुत अच्छा है, एंड इसकी भी मैं प्राइस नहीं बता रही, बिकॉज़ मैंने आपको बताया मुझे सब प्रोडक्ट्स की प्राइस कंफर्म नहीं है। सो ये भी किस ब्यूटी का ही है, सो आप इसको भी यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। ओके, सो गाइस, नेक्स्ट है ये ब्रश, ठीक है। ये मैंने लोकल मार्केट से ही ख़रीदा है, एंड इसको आप हाइलाइटर, ब्लश ऑन या फिर किसी भी चीज़ में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये वैसे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इसके जो है ब्रिसल्स निकलते हैं, ठीक है। वैसे तो ज़ाहिर है हर न्यू ब्रश के ब्रिसल्स निकलते हैं, चाहे वो आप काशिश से ही ले लें। सो ये थोड़ा सा जब पुराना हो जाएगा तो ये भी बहुत अच्छा हो जाएगा। सो ये भी अच्छा है, आप इसे भी यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। ओके, सो गाइस, नेक्स्ट है ये मेरे पास लिवॉन का हेयर सीरम, ठीक है। ये विटामिन ई भी होता है इसमें, एंड जब मैं बाल स्ट्रेट वगैरह करती हूँ या किसी ओकेजन पे मैं जाती हूँ तो मैं इसी को यूज़ करती हूँ। अभी आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल एंड हुआ पड़ा हुआ है,
लॉकडाउन है लेकिन फिर भी मैंने रख लिया बिकॉज आपको दिखाना था। सो ये भी बहुत ही अच्छा है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपके हेयर मतलब ज़्यादा उड़े उड़े बाल आपके रहते हैं तो आप इसको यूज़ करें। ओके सो सीरम के बाद गाइज ये है मेरे पास एक लिपस्टिक, ठीक है। इसका ये बहुत ही न्यूड सा कलर है, ठीक है। एंड ये है ब्यूटी मॉडल की, एंड इसका नंबर नहीं यहाँ पर लिखा हुआ। वैसे इसका कलर बहुत ही प्यारा है एंड ये मैंने न्यू ही लिया है, ये इसको मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। ज़्यादातर जो है मैं ये रेड लिपस्टिक यूज़ करती हूँ, इसको मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। आप देख सकते हैं ये भी मैट है एंड ये दूसरी वाली भी मैट ही थी, ये दोनों मैट लिपस्टिक हैं। एंड ये है डाइफी की, ठीक है। ये डाइफी की मैट लिपस्टिक है एंड ये 3D है, आप देख सकते हैं इसका कलर बहुत ज़्यादा रेड है। एंड गाइस नेक्स्ट आ गई है ये हमारी नेल पेंट, ठीक है। ये मेडोरा की नेल पेंट है, 613 इसका नंबर है। ये मेरी फेवरेट नेल पेंट है, मैं ज़्यादातर इसी को यूज़ करती हूँ। आप इसको देख सकते हैं इसका जो कलर है वो कितना अच्छा नाइस सा है। ये मैं आपको थोड़ा सा इसका रिव्यू दे देती हूँ। सो ये भी बहुत अच्छी है, अगर आपके मतलब ज़्यादा आपको डार्क कलर पसंद नहीं है तो आप ये कलर यूज़ कर सकते हैं। ओके सो गाइस ये था मेरा जो फुल प्रोडक्ट्स हैं जो मैं डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ। वैसे तो बहुत सारा मेरे पास मेकअप है लेकिन मैंने आपके साथ डेली बेसिस यूजिंग प्रोडक्ट्स शेयर किए हैं। सो ये बहुत ही अच्छे हैं, इनका रिव्यू भी मैंने आपको दिया, ये बहुत ही अच्छा है, मैं इनको 5 स्टार्स दूंगी। तो आप भी इनको यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।